हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ऑलरेडी बच्चों, आप लोगों ने संडे के शेड्यूल पूरा कर लिया है, उसके अंदर सारे प्रैक्टिस के सम भी हो चुके हैं बच्चों। पर ऑनलाइन के अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसमें आप लोग को और अच्छी प्रैक्टिस हो, इसके अंदर दो या तीन ऑकवर्ड क्वेश्चन है, वो दो तीन क्वेश्चन आपको लॉस ना हो इसलिए करवा देता हूँ, जिसके लिए आपको प्रोसेस उनको भी टच करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे दो तीन ऑकवर्ड क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर एग्जाम। और आप प्रोसेस वन कर रहे हो तो ओवरऑल आपका भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा सम नंबर 29 से लिटिल बिट ऑकवर्ड सम, प्रैक्टिस हो जाए और आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, इसलिए बच्चों रिवीजन के तौर पर ये सम ले रहे हैं। इसके बाद हम प्रोसेस टू नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 29, पेज नंबर 71, होमवर्क के अंदर बच्चों आप लोग करोगे लेटेस्ट 14 मेरी बुक में कौन सा नंबर आपको बताता हूँ जिससे परेशानी ना हो। हितेश नाम है, पेज नंबर 78/7 हितेश। तो कई बच्चों के पास पुरानी बुक होगी तो ये होमवर्क का नंबर नहीं होगा। क्लियर दिखा दे रहा बेटा, बराबर है सब कुछ? ओके, आगे जा रहे सफर में। सम नंबर 29, चलो बच्चों मैं रीडिंग करके समझा रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ लिमिटेड पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस बिफोर इट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। प्रिपेयर ऑल थ्री प्रोसेस अकॉर्डिंग नेसेसरी अकाउंट। प्रोसेस 1 2 3 यूनिट इंट्रोड्यूस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉर्मल वेस्टेज, बाय प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस एंड नॉर्मल गेन फिनिश। अब बच्चों तीन प्रोसेस के अकाउंट बनाना है। प्रोसेस 1 2 3 पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं। प्रोसेस 1 अकाउंट, खर्च उधार बाजू, इनकम जमा बाजू। चलो पहले कॉलम में स्टार्ट करो, गपला शुरू। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, ये जब भी होमवर्क में देता हूं बच्चे कहते सर स्टार्ट कैसे करें, भाई प्रॉब्लम ध्यान से देना, मैं कैसे सिखा रहा हूं। कैलकुलेटर आप सामने रखिए, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। अब यूनिट इंट्रोड्यूस के अंदर बच्चे 40,000 यूनिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो प्राइस दी है ना वो 25.25 रुपए 20 यूनिट दिया। मैं पद रख रहा हूं 20 यूनिट इक्वल टू 25.20, तो 40,000 यूनिट की प्राइस हाउ मच? 40,000 को 25.25 से मल्टीप्लाई करो और 20 से डिवाइड करो, लगभग 50,500 आएगा यार ये बेटा। यस 50,500। ये बच्चों प्रॉब्लम है, दिखता समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को इसे कैसे डिफरेंस। सिंपल देखो, 20 यूनिट का इतना प्राइस तो टोटल 40,000 यूनिट का हाउ मच। अब परेशानी है कि 40,000 यूनिट और कहीं क्लियर लिखा नहीं है, तो बच्चे इसको कई बार रुपए समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सम नंबर 27 में प्रॉब्लम हुआ। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद में मेरे पास डायरेक्ट लेबर का खर्चा 2, डायरेक्ट लेबर 0.75 पैसा पर यूनिट, यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 30,000। यस, लेबर आएगा 30,000। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑकवर्ड अमाउंट, जनरली राउंड फिगर होता है 7392। उसके बाद है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर का 35%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेबर का 35%, यानी आप ये लेबर का 35% निकालो, 10,500। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एक्चुअल आउटपुट फाइंड करना है, यानी जो यूनिट जाएंगे बाय प्रोसेस टू अकाउंट वो हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज इंट्रोड्यूस का 2% क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल वेस्टेज, यूनिट इंट्रोड्यूस का 2%, 40,000 का 2% करो तो बेटा 800। यस, और उसकी सेलिंग प्राइस आई थिंक डैश के नॉट इवन बच्चों डैश। उसके बाद है बच्चों बाय प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद हो तो बच्चे एक आध दिन पहले हमने बाय प्रोडक्ट एग्जाम देखा था और टेस्ट के अंदर उसका यूज किया आप लोगों ने। बाय प्रोडक्ट है 5%, क्रेडिट साइड लिखेंगे स्मॉल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उसके अंदर बोला है बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस का 5%, 40,000 का पॉइंट का मतलब 2000। यस, यूनिट 2000 इसकी प्राइस हमें फाइंड करनी है बच्चों। ऑल इंफॉर्मेशन फिनिश्ड। अब बच्चों सबसे पहले हमारी सिस्टम फिक्स है, हम टोटल करेंगे यूनिट्स का। यूनिट का टोटल डेबिट साइड आ रहा है 40,000, सेम टोटल हम लोग रखेंगे क्रेडिट साइड, डिफरेंस निकालो बच्चों 37,200। यस, ये क्या मिला?
दिस इज कॉल प्रोसेस टू अकाउंट यूनिट्स। आपके पास बाय प्रोडक्ट की और ये प्रोसेस टू के दोनों यूनिट की प्राइस ना है, प्राइस ना हो तो आपको पता है बच्चों आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट फॉर्मूला। पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस माइनस सेल अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस अपॉन यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। प्रोसेस 1 टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग बेटा टोटल करो तो डेबिट साइड का 98392 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज कचरे का सेल, तो यहां जीरो है। यूनिट इंट्रोड्यूस गिरा है बच्चों 40,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज में 8,500। अब 98392 को 39,200 से डिवाइड करो क्या 2.51। यस आंसर मैम चेक कर लो, एकदम करेक्ट आंसर बच्चों। अब मैं कई बार बच्चों टोटल में गलती हो सकती है, फिर से बता रहा हूँ, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो टोटल कर रहे हैं, पर अगर कई बार स्टूडेंट ना हो मैं अकेले टोटल कर रहा हूँ तो कोई बार टोटल में भूलूँ तो आपको देख लेना बच्चों। इसलिए बता रहा हूँ जब भी लेक्चर हो टेक्स्ट बुक और पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है। क्लास में तो आप लोग मेरे सामने होकर टोटल मैं गलत करो उससे पहले आप बोल जाते हो, कोई चांस ही नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आउटस्टैंडिंग इन टोटल। ये 2.51 कॉस्ट है बच्चों, उसको यहाँ रखते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, अच्छे कैसे से मल्टीप्लाई 2000 × 2.51 अब बच्चों प्रोसेस अकाउंट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करो बेटा 98392 दोनों तरफ आ रहा है। यस और बच्चों बाय प्रोडक्ट अकाउंट की प्रैक्टिस हो ये सम लेने का पहला रीजन था यूनिट इंट्रोड्यूस का एक पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट है बाय प्रोडक्ट अकाउंट, इट जस्ट लाइक एब्नॉर्मल वेस्ट। बाय प्रोडक्ट अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस वन अकाउंट यूनिट 2000 प्राइस 5020 क्रेडिट साइड, इसे हमें सेल करना है बाय सेल्स। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5020 यूनिट 2000। बच्चों पहले कॉलम में ध्यान से देखो टेक्स्ट बुक में नौ नंबर का पॉइंट बाय प्रोडक्ट सेल एट 5% प्रॉफिट एट कॉस्ट, सॉरी 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर नौ नंबर में 10% प्रॉफिट होता है बच्चों। ये मैंने ध्यान से देखना 10% प्रॉफिट ऐड करना है 502 ऐड करो तो 5522। अब बच्चों इसे हम क्लोज करेंगे, इसको हम बंद करेंगे, डेबिट साइड डिफरेंस रखेंगे, डिफरेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट 502। ये हो गया बच्चों आपका रिवीजन बाय प्रोडक्ट अकाउंट एंड प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश। अब बच्चों प्रोसेस वन के जो यूनिट है उसका पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस वन अकाउंट यूनिट 37200 प्राइस 93372। और बच्चों बाकी सारे खर्चे सेकंड कॉलम में से लेंगे डायरेक्ट लेबर जिसमें बोला है यूनिट इंट्रोड्यूस का 65 पैसा, तो डायरेक्ट लेबर यूनिट इंट्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करो तो बेटा 24180। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड तो 10416। उसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें बोला है लेबर का 40%, यस लेबर का 40% निकालो 9672। उसके बाद है बच्चों एक्चुअल आउटपुट में बोला यूनिट इंट्रोड्यूस का 88%, एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग होता है बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट, जो थ्री अकाउंट में जाएगा बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस का 88%, 37200 का 88% निकालो 32736। प्राइस मिसिंग है बच्चों, आगे जाते हैं नॉर्मल वेस्टेज यूनिट इंट्रोड्यूस का 4% बाय नॉर्मल वेस्टेज 4% 37200 का चार्ट है 1488। अब क्या उसकी प्राइस है? हाँ बच्चों इस बार सेलिंग प्राइस है वेस्टेज की 2.5 मल्टीप्लाई करो 3720। ओके
सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए बच्चों, उसके बाद फिर से यूनिट का टोटल करेंगे। जैसे टोटल किया 37 to 100 डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस मिलेगा बच्चों मोस्टली मिलेगा एबनॉर्मल वेस्टेज। उसकी भी प्राइस मेरे पास नहीं है, आंसर में बच्चों चेक कर लेते, कोई गड़बड़ एकदम सही है। अब इसकी प्राइस के लिए क्या करोगे बच्चों, ये रहा नीचे फॉर्मूला, प्रोसेस टू, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस, डेबिट साइड का टोटल बोलो 1,37,640 माइनस कचरे का सेल 3,720 माइनस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 37,200 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 1,488 डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर बोलो 3.75। दिस इज कॉल्ड फॉर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस टू। अब बच्चे कॉस्ट सही है, हम आंसर को चेक कर लेते हैं। यस 3.75 एकदम करेक्ट है, ये लिखा 3.75, यहां लिखा 3.75, ये कच्चे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई 122,760 यस 122,760 और इसको मल्टीप्लाई करो 11,160 प्रोसेस टू अकाउंट यूनिट 2,976,11,160 प्राइस। अब इसको सेल करें क्रेडिट साइड, बाय सेल 2,976 कचरे की प्राइस, नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस हमने साफ लगा होगी 2.5, मल्टीप्लाई करो 7,440 बंद करो इसे, डिफरेंस में लॉस करो बच्चों 3,720 That is called loss. Correct. 11,000 वाली cost का item आपने 7,000 बेचा, loss जाएगा P&L account में। Answer check करो बच्चों। Yes, loss wastage आ जाता है 3,720। अब बच्चों समझ आया? Only practice purpose आज का lecture मैंने रखा है, बाकी मैं process two में जाना चाहूँ तो भी जा सकता हूँ। अब बच्चों इसके ऊपर simply कर करेंगे process three account। आपके सामने live board रख कर रहे हैं, पर transfer हो रहे हैं process three में। Yes. प्रोसेस की अकाउंट और लास्ट प्रोसेस के अंदर आई थिंक एफ्टर वेस्टेज अगेन होगा, उसका भी अकाउंट बना देता हूं जिससे समझने में आसान हो। लगभग बच्चों क्वेश्चन 30 से 35 मिनट टाइम लेता है, इसलिए इतने लंबे समय गुजरात यूनिवर्सिटी में 2.5 घंटे में आने के चांसेस कम है। आया तो इसमें नॉर्मल वेस्टेड डेट के अकाउंट निकल जाएंगे बच्चों। चलो थर्ड प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस टू में से बच्चों यूनिट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट, यूनिट है 327,36 माने प्राइस है 122,760। उसके बाद बच्चों तीसरी कॉलम पकड़ो, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर जिसकी प्राइस है यूनिट इंट्रोड्यूस का 50 पैसा, यूनिट इंट्रोड्यूस का 50 पैसा बोलो बेटा 16,368। यस, उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,368। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लेबर का 50% है, लेबर का 50% निकालो 8184 उसके बाद बच्चों एक्चुअल आउटपुट, यस आंसर दे दिया बच्चों बाय प्रोसेस फोर, नो प्रोसेस में ये तो कहां जाएगा बाय फिनिश्ड ऑफ द अकाउंट 31,500 प्राइस में सेम। आगे जाते हैं उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज, वो हमें फाइंड करना है नॉट गिवन। उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस नॉर्मल वेस्टेज की 3 रुपीस,
इसके बारे में बच्चों और इंफॉर्मेशन मिसिंग है, नॉर्मल गेन दिया हुआ है, कपड़ा जोड़ो डेबिट साइड लिखेंगे एंड नॉर्मल गेन जिसके यूनिट है 264। उसके बाद बच्चों और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने बुक को यहाँ रखा, हमें सेटिंग करना होगा। सबसे पहले बच्चों दो आइटम की प्राइस ना हो तो आप क्या करोगे? प्राइस ना हो तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यूज करोगे। ये रहा फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस यानी डेबिट साइड का टोटल। टोटल बोलो बेटा डेबिट साइड का। 1,16,868,680 माइनस कचरे का सेल। कचरा ही नहीं बच्चों, सेल कैसे ढूंढोगे? ओ उसमें तो यूनिट नहीं है। अब यहाँ आगे नहीं जा सकते हम, क्या करेंगे बच्चों? यानी नॉर्मल वेस्ट ढूंढना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन डेबिट सेल के यूनिट का टोटल करो। टोटल करो 33,000। रखो तो क्रेडिट साइड। अब डिफरेंस निकालो 1500। यस 1500 को 300 से मल्टीप्लाई करो 4500। अब बच्चों फॉर्मूला में जा सकते हैं। माइनस कचरे का सेल 4500 के नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 32736 माइनस कचरे के यूनिट नॉर्मल वेस्ट यूनिट 1500 प्लस माइनस करके आंसर बोलो तो 5। आंसर चेक करो कंप्लीट आ रहा है सर? यस। यहां रखा मैंने 5 रुपीस, यहां भी रखा 5 रुपीस, मल्टीप्लाई करो तो 31। अच्छा गेम में बोलो पहले 1320। बाद में बोलो 1,57,500। करेक्ट। अब बच्चों टोटल करो 1,62,000। दोनों तरफ होना चाहिए। यस हो गया, करेक्टली हो गया। ये हो गया बच्चों प्रोसेस 3। अब एबनॉर्मल गेन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, उसका पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस 3 का काम ना करे तो भी चले, फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ 100% आप लोगों को समझ आया। अब इसको क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? टू कैश, या फिर याद हो तो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 261। प्राइस हमेशा कचरे की, कचरे की प्राइस है वेस्टेज की 3 रुपए। 3 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो 792। डिफरेंस निकालो 528। ये जाएगा पीएन 528। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों 29, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिनती। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए बच्चों चुन चुन के मैंने आपके लिए साइड में रखा था। एक और ऐसा ही ऑकवर्ड समय बच्चों वो इसके बाद हम लेने जा रहे हैं। चलो बच्चों 29 के बाद एक ऑकवर्ड समय रखा हुआ बच्चों सम नंबर 6। एकदम और समय यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में गुजरात 16, पेपर आपके पास 17, 18, 19 के पर टेक्स्ट बुक में पीछे हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 24 नंबर एकदम रेगुलर रूटीन समय आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है बच्चों, चुन चुन के मैंने सम रखे हुए बच्चों। ऐसे समय तो बहुत रेयर आते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों आप लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा प्रयत्न है कि मेरे बच्चों को एक या दो सम ज्यादा हो, ठीक है? बाकी प्रोसेस वन में जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया लिख के देता हूँ बच्चों, किसी की ताकत नहीं उसके बाद आपको रख सके। और फीलिंग ऐसी है ना, आप लोग जानते हो मुझे, मेरा नेचर ही ऐसा है, एक क्वेश्चन में बच्चे का ज्यादा होता है उससे बच्चों को फायदा होता है, ठीक है? तो आशा रखते हैं कि इसके बाद जो आप 24 कर लोगे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। टीवाई भी कम के लगभग 99% बच्चे उम्र बच्चा करें, एक का तो बच्चे सबमिशन में लेट आ जाते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे। कारण बच्चों इसकी आदत रखनी होगी हमें, सिचुएशन आप कोरोना की जान लो मार्केट में बहुत ही खराब है, तो आशा रखते हैं कि यही स्थिति में बेटर है कि हमारे बीच में मोबाइल रहे, कोरोना दूर रहे। ओके सम नंबर 6 ऑड क्वेश्चन आज पर गुजरात यूनिवर्सिटी 16 पेज नंबर 54। In a process factory, product passes through process. From the following information, calculate selling price if the manager decide to have a profit of 50% of work cost. फिर तीन कॉलम A, B, C. पैराग्राफ में बच्चे एक लाइन है जो ये सम को परेशान करती है. From the purpose of this computation, abnormal wastage if any may be charged to respective process. Abnormal wastage charged to respective process, यानी ये sentence का meaning बच्चों ऐसा लेना है पूरे सम में, इसके कारण ये सम होना चाहिए। बाकी तो आपको मैं गिनवाऊंगा, आप बोलोगे सर को homework पे देना चाहिए। इसका meaning आपको ये लेना है बच्चों, process के अंदर है अपना abnormal wastage की cost आपको credit के साथ debit भी करनी है।
अब मुझे बताओ आप क्रेडिट साइड कॉस्ट उसकी नोटिंग करो और सेम डेबिट साइड नोटिंग करोगे प्रोसेस में, तो डेबिट में 1 लाख लिखो और क्रेडिट में 1 लाख लिखो, तो इफेक्ट क्या होगी? जीरो। यानी ये सेंटेंस ऐसा बता रहा है बच्चों, जब इस प्रकार की सूचना दी हो तो आपको प्रोसेस अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल वेस्टेज की कोई कॉस्ट लेनी नहीं है। नो कॉस्ट टेकन फॉर एबनॉर्मल वेस्टेज इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस। ये बच्चों ऑकवर्ड पॉइंट है, ऐसा लिखा होगा तो ऐसा करना, ठीक है? इतिहास में इसके जैसा ना कोई दूसरा समय ना प्रैक्टिस के लिए कोई इलस्ट्रेशन, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगर आपके टेक्स्ट बुक हो बच्चों तो लास्ट पैराग्राफ में नोटिंग भी बदल दो, जनरली द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज क्रेडिटेड टू पीएनएल बट गिवन इन एग्जांपल एबनॉर्मल वेस्टेज इज चार्ज टू रिस्पेक्टिव प्रोसेस इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू प्रोसेस, उसके कारण उसको बच्चों क्रेडिट नहीं करना, ऐसा क्लियर नॉट आंसर में लिखा हुआ है जो आप लोग आराम से टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है? अब मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चों को देख लेते। सबसे पहले रेगुलर वर्क डेबिट साइड मटेरियल रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, उसके अंदर 50,000 केजी इंफॉर्मेशन में यूनिट के बारे में केजी लिख सकते हैं, प्राइस 4 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख, यस 2 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज क्रेडिट साइड इनपुट का 5% 25,000 का 5% 2500 उसकी कोई प्राइस है, आई थिंक प्राइस नॉट गिवन लेस। उसके बाद बच्चों प्रोडक्शन डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यस आंसर दे दिया बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस का बाय प्रोसेस बी अकाउंट, उसके यूनिट दे दिए 45,000। ओ एक नया पॉइंट बच्चों, उसके बाद टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये तो रेगुलर पॉइंट है लेबर कॉस्ट, जिसकी वैल्यू बच्चों 7,000 रुपीज। पहली कॉलम आपके सामने वेरिएबल ओवरहेड लेबर का 150%, वेरिएबल ओवरहेड बच्चों 7,000 का 150% निकालो, लगभग 10,500। फिक्स ओवरहेड लेबर का 150%, अरे सॉरी 250%, फिक्स ओवरहेड 150% ऑफ लेबर, इसका बच्चों 150% निकालो 17,500, यस ये लिखा। उसके बाद है बच्चों फिनिश स्टॉक, ये नया पॉइंट है, फिनिश स्टॉक यानी वन टाइप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड लिखेंगे जिसके यूनिट है बच्चों 2000, प्राइस मिसिंग। अब बच्चों सारे इंफॉर्मेशन पूरी हो जाए फिर हमें पता है, सबसे पहले हम लोग यूनिट का टोटल करते हैं, तो यूनिट का टोटल 50,000 डिफरेंस निकाल लो 500। अब बच्चों बाय डिफरेंस में एबनॉर्मल वेस्टेज के रेट मिलेंगे 500 जिसकी प्राइस मिसिंग है, ठीक है? अब बच्चों इसकी प्राइस जनरली हम लोग एक फार्मूला से फाइंड करते हैं और दोनों में लिखते हैं, पर यहां बच्चों सूचना क्या है एबनॉर्मल वेस्टेज चार्ट टू रिस्पेक्टिव प्रोसेस, इसका मीनिंग है आपको उसकी अमाउंट लेनी नहीं है, यानी इट इज ट्रीटेड लाइक नॉर्मल वेस्टेज, यानी लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल, ओके? अब बच्चों मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूं तो मुझे फाइंड करनी होगी प्राइस ये दोनों की। अब यहां एक टर्म और है, बराबर ध्यान से देखना, प्रोसेस ए इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस एन डेबिट साइड का टोटल 2,35,000 माइनस कचरे का सेल डेस है ही नहीं अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ये 50,000। अब बच्चों यहां परेशान ये है, अगर आप नॉन नॉर्मल की कॉस्ट ना लिखो बच्चों तो इट इज ट्रीटेड लाइक नॉर्मल वेस्टेज, तो यहां यूनिट में दोनों ले लें 2,500 प्लस 500, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करो डिवाइड 5 एग्जैक्ट डिवाइड करोगे बच्चों 2,35,000 डिवाइड बाय 47,000 ₹5 आ रहे हैं सर, यस ये जो कॉस्ट है उसे मैं अप्लाई करनी है फिनिश स्टॉक में और प्रोसेस के अंदर, 5×2 करोगे तो यहां आएगा 10,000 एंड ऊपर 2,25,000, यस करेक्ट। अब बच्चों आपका प्रोसेस अकाउंट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करें, बस खाली बच्चों इतना सीखना और यहाँ डैश लिखना और यूनिट इसके अंदर लेने हैं, ये एक पॉइंट पे पूरा समय ले लिया है, ये मैं खाली नोटिंग करके समझा दूं बच्चों तो भी चले, और ऑनलाइन के अंदर मैंने ट्राई कि एक लेक्चर वाले एक्स्ट्रा हो बच्चों का आपको फायदा होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रोसेस बी के अंदर, प्रोसेस बी में सबसे पहले क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करेंगे टू प्रोसेस ए यूनिट 45 प्राइस 2,25,000, फिर से बच्चों सेकंड कॉलम में आ जाओ नॉर्मल वेस्टेज 5% 4,500 का 5% निकालो 45,000 का 2,250 अगेन बच्चों इसकी प्राइस नहीं है
उसके बाद प्रोडक्शन टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस यानी बाय प्रोसेस सी अकाउंट, यूनिट दिए हुए टेक्स्ट बुक में 40,000, ये लिखे प्राइस में सेम। आगे जाते हैं टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके बाद बच्चों लेबर कॉस्ट जिसकी वैल्यू है हमारे पास 7500। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 120%, इसका 120% निकालो 9000। चलो उसके बाद है फिक्स ओवरहेड, उसमें बोला है लेबर कॉस्ट का 140%, 10,500। अब बच्चों इसके बाद फिनिश्ड स्टॉक क्रेडिट्स है 2000, वो क्रेडिट्स है नॉट इन करेंगे जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं, फिर से यूनिट का टोटल करेंगे, डेबिट साइड आएगा 45, डिफरेंस निकालो 750, दैट इज कॉल्ड अगेन एबनॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों यहां जो सूचना है जो हमने देखी उसके दरमियान डैश करके नॉट एप्लीकेबल, प्राइस नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोसेस बी का फाइंड करना है कॉस्ट, तो उसके लिए बच्चों इसको निकाल लेते हैं नोटिंग को और आगे जाते हैं। प्रोसेस बी के अंदर बच्चों डेबिट साइड का खर्च का टोटल करो 2,52,000 माइनस कचरे का सेल जो अवेलेबल नहीं है, नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 45,000 माइनस, अब यहां क्या रखा बच्चों नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों लोगे तो आएगा 3,000। यस 252 डिवाइड बाय 42,000, प्राइस बोलो 6, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब ये जो 6 रुपए कॉस्ट है बच्चों यहां लिखेंगे और यहां भी 6 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो नीचे आएगा 12,000 और 40 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 240,000। टोटल करो तो कैसे से 2,00,000, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम राइट। ओके है कुछ बच्चों, मेन पॉइंट यही था कि प्रोसेस अकाउंट चार्ज जो रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस का मीनिंग प्राइस मिलेंगे, प्राइस मिलेंगे इसको नॉर्मल वेस्टेज की तरह ट्रीट करना है। अब प्रोसेस सी में जाएंगे, सी के अंदर डेबिट साइड टू प्रोसेस बी का अकाउंट, यूनिट आएंगे बच्चों 40,000, प्राइस आएगी 2,40,000। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है नॉर्मल वेस्टेज जो प्रोसेस का 5% है, ले लो 5%, 2,000 प्राइस अगेन नहीं है। उसके बाद बच्चों प्रोडक्शन टू नेक्स्ट प्रोसेस, हमें पता है सी के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, डी तो है नहीं, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में सेल। आगे जाते हैं टोटल लेबर कॉस्ट है मेरे पास, डेबिट साइड लिखेंगे 15,000। उसके बाद बच्चों वेरिएबल ओवरहेड है लेबर का 100%, लेबर का 100% हो गए सेम आएगा। उसके बाद फिक्स ओवरहेड लेबर का 200%, 15,000 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 30,000। उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेबिट साइड का टोटल करो यूनिट का 40,000, इसको यहां रखो डिफरेंस कितना है 38,000, दैट इज कॉल्ड फिनिश स्टॉक। अब बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड एक ही आइटम हो तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, टोटल बोलो 3,00,000, एग्जैक्टली 3,00,000, उसको यहां रखो। ओ यानी ये जो कॉस्ट आई वो 38,000 मिलती है। तो बच्चों कॉस्ट फाइंड करने के बाद यहां थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट इसके निकालने हो तो पर यूनिट ऑफ प्रोसेस सी, उसमें 3,00,000 को 38,000 से डिवाइड करो 7.90, हां एग्जैक्ट 288 और 90 ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट और यूनिट। अब यहां से लेबर का ध्यान नहीं जाता बच्चों सब में, प्रया ध्यान से देखो देख मत कट हो जाएगा, ठीक है। पहला पैराग्राफ में ध्यान से देख रहा हूं, वहां बोला है कि जो भी आइटम रेडी होती है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ मैनेजमेंट डिसाइड टू 25% प्रॉफिट ओवर पर कॉस्ट, इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है 25% प्रॉफिट ऐड करो 1.98, देन यू रिसीव सेल्स, ऐड करो तो जरा 9.88, हां 9.88 यानी लगभग राउंड फिगर किया जाए तो 10 रुपीस लिख सकते हो, 9.88 या 10 रुपीस आंसर में सब लिखा हुआ उन्होंने, चेक कर लेते बच्चों। यस 9.87 यानी एप्रोक्सीमेट 10 रुपीस दिया है, ठीक है, एप्रोक्सीमेट कह सकते हैं।
ये हो गया बच्चों आपका सेकंड ऑकवर्ड सम। अब बच्चों यहां से भी ओवरऑल मैंने व्यू देखा था आपके लिए एक और क्वेश्चन निकल गया जिसमें मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, खाली ऐड कर रहा हूं बच्चों 20 सम में एक ही बार वो समय है। अद्भुत क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं और उसका नंबर है आई थिंक लेटेस्ट 8 चैलेंजिंग सम है बच्चों। इतिहास गवाह मैंने लास्ट टाइम चैलेंज दिया था, एक भी बच्चे को नहीं आया था, ठीक है? तो वो चैलेंज सॉल्व करवा रहा हूं मैं, खाली आपको हेल्प करके छोड़ दूंगा, टेंशन मत लेना। कई बच्चों को तो जाएगा सर ये हैवी लोड दे रहा है, लास्ट में चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, पर इट इज ओनली फॉर नॉन। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सम नंबर 8। ये क्वेश्चन बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट 8 एग्जांपल है जो सुधीर प्रकाशन की पुरानी बुक में दिया हुआ। बच्चों नई बुक के अंदर ये एग्जांपल नहीं है, तो मैंने इसका पीडीएफ इमेज ले लिया है। ये क्वेश्चन बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम्पल समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए बच्चों ये पीडीएफ आप लोग नोट डाउन कर लेना या इसका फोटो ले लेना। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये पूरे क्वेश्चन में आपके पास 3 प्रोसेस है बच्चों, एबीसी जिसके अंदर यूनिट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज है और टेबल के लास्ट लाइन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रमाण दिया है। इन शॉर्ट बच्चों सम स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस है, अकाउंट जब बनाओगे तो सब कुछ मिसिंग है बच्चों, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर हम पूरा लेटेस्ट 8 क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। 40 ध्यान देना, लेटेस्ट 8 और चैलेंज, ठीक है? उसके बाद बच्चों पेज नंबर 78/3 और उसके अंदर बच्चों 3 प्रोसेस दी हुई है, खाली मैं आपको 2 ही प्रोसेस समझाऊंगा आपका काम हो जाएगा। प्रोसेस 1 अकाउंट, जबरदस्त और क्वेश्चन बच्चों, आंसर इतना। फिर हम बनाएंगे प्रोसेस बी और फिर बाकी का आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है? जैसे मैं क्लास में हेल्प करता हूं ना बच्चों, सेम हेल्प आज यहां करनी है। छोड़ के बच्चों नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा चैलेंज ले जैसे कोरोना के चैलेंज में मजा आएगा, ठीक है? पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, टाइमिंग पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। अब बेटा कैलसी बराबर ध्यान रखना, वो बुक में नहीं होगा, ठीक है? इन आप का ध्यान बहुत होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने ही जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पेज नंबर 783 गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में बच्चों सेमेस्टर सिस्टम का फर्स्ट पेपर आया था, उसमें का ये सम है, उस साल सिलेबस में 50% बाहर गया है। हां, रोते रोते बच्चे निकले थे, लगभग 70 में से 30-35 मार्क्स आपके आए थे, अनलकी पेपर था, उसके बाद फिर सिस्टम सेट हो गई, ठीक है? चलो रीडिंग करके समझा रहा हूं। 3 कॉलम बच्चों, हमें सिंपल प्रोसेस कौन बनानी है, एबीसी की, पेज नंबर 78/3। कई बच्चों के पास अगर नई बुक में ना हो तो पीडीएफ को मैंने भेजी, उसमें से आप लोग प्रिंट लेके देख सकते हो। सबसे पहले बच्चों जैसे डेटा दिया गया है, यूनिट इंट्रोड्यूस गपला शुरू, क्वेश्चन मार्क वाला समय बच्चों, नॉट गिवन, प्राइस गिवन 100 रुपीस। आगे जाते हैं, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस 10 रुपीस, यूनिट इंट्रोड्यूस का 10% है बच्चों, पर यूनिट इंट्रोड्यूस तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क। सेल प्राइस, कचरे का सेलिंग प्राइस है बच्चों 50 रुपए, ये लिखा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है 50 बाय एबनॉर्मल लॉस, यूनिट में है बच्चों 50। उसके बाद ब्रैकेट में कॉस्ट है 200 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 200 × 50 10,000, यस। उसके बाद एबनॉर्मल गेन नहीं है, यूनिट इंट्रोड्यूस वो तो हमें फाइंड करना है बच्चों, है ही नहीं। उसके बाद फैक्टरी एक्सपेंसेस एक्सेप्ट रॉ मटेरियल 51,000, रेशियो बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट साइड दो प्रकार के हैं, टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है? फिर यहां टोटल मिसिंग मिसिंग। बच्चों इसको आपको स्टार्ट करना कैसे करोगे, पैराग्राफ में कुछ सुनना नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन है 3/2, मुझे सम नंबर लेटेस्ट टू ध्रुमी, इसके बाद मुझे 16 नंबर याद आ रहा है बच्चों, उससे भी ये डिफिकल्ट है,
उसके अंदर तो कुछ ना कुछ पैराग्राफ में था। यहाँ क्या करो बोलो जो स्टूडेंट, अगर आपको मैं क्लास में चांस दूँ तो 15 मिनट निकाल देते, आप आराम से बातें करते, मस्ती करते, एक बच्चे सॉल्यूशन आता फिर मैं समझाता, और बच्चों ऑनलाइन में हमारे बीच में मोबाइल है तो वेट करना डिफिकल्ट है, तो मुझे आपको लॉजिक सिखाना होगा। अब ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों ने पहले जाना होगा प्रोसेस को, यस इट इज नॉट वेरी इजी, यहाँ आपको पता होगा प्रोसेस ये पूरा होके कहाँ ले जाओगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। अब उसके लिए अगर आपका ध्यान जाए तो यूनिट प्रोड्यूस्ड उसके अंदर दिया हुआ है 680, फिर फैक्ट्री एक्सपेंस 51,000 सेकंड प्रोसेस में, तो इसको छोड़ देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क करके आगे जाता है, ठीक है। सेकंड कॉलम इस पर भी मेरा ध्यान जा रहा है, टू प्रोसेस ए अकाउंट, सही लिखा, नॉट गिवन, नॉट गिवन। उसके बाद नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है बच्चों 20% यूनिट इंट्रोड्यूस का, ये भी नहीं, डिजाइन देखो प्राइस 100 रुपए, ये भी नहीं है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना बच्चों एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक, यूनिट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए, बोलो प्रिंटिंग में भी घटिया प्रिंटिंग, यूनिट प्रोड्यूस की जगह पे क्लास का है ना बच्चों यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी ये कहां जाएगा प्रोसेस सी अकाउंट के अंदर, यूनिट 680 और कीमत 300 रुपए, मल्टीप्लाई करो बेटा 22,04,000, 2,04,000। इसके बाद है बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस आपको यहां दे दिया 51,000, हमें पता है यहाँ दो प्रकार के खर्च हैं, डायरेक्ट फैक्टरी एक्सपेंस और टू इनडायरेक्ट फैक्टरी एक्सपेंस, पर आप बहुत ध्यान से देखना वे दोनों की वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कंबाइंड है, और उसका रेशियो दिया हुआ बुक में 2:3, 51,000 को 2:3 में बांटो 20,400, पहले में 20,400, यस सर, और सेकंड में 30,600, मैं चेक कर लूं बच्चों पहले मेरी धारणा सही है, एकदम सही है एनालिसिस। चलो अब क्या करें बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं है, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना प्रोसेस बी में, मेरे पास यूनिट इंट्रोड्यूस ना हो, मैं सपोज कर रहा हूँ सपोज प्रोसेस बी में जो एंटर हुए यूनिट 100 है, क्या दे रहा है यहाँ टोटल 100% आया, यहाँ भी 100%, 100 का 20%, 100 का 20% यहाँ लिखा मैंने 20, अब 100 में से 20 गया है, बाकी कितना बचा 80% बचा, 80% के सामने मेरे पास एक यूनिट है 680। तुरंत एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था बच्चों क्लास में, सर हम क्या भी होना गए, पर यहाँ बच्चों क्रेडिट साइड दो आइटम मिसिंग है, वहां तो एक ही मिसिंग है, यहाँ 100 लिया, 100 का 20%, 20 बाकी बचा हुआ 80 से 680, अपना पता करो ध्यान देना 80% इक्वल टू 680 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू यूनिट इंट्रोड्यूस का मार्ज करो तो बेटा 850, दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस बी, यस। अब देखना बच्चों ये 100 निकाले, 100 निकाले निकाले ये 20 निकाले, अब मैं से यहां रख रहा हूं 850, ठीक है। अब 850 जैसे लिखा बच्चों मुझे प्राइस पता है, यहाँ एबनॉर्मल लॉस में 200 है, ये 850 सेम यूनिट आएंगे, यहाँ भी मैं 850 लिख सकता हूँ, प्राइसेस सेम रहती है दोनों की, तो 200 ले सकता हूँ 1,70,000, यस यहाँ भी मैं 200 सेम ले सकता हूँ 1,70,000, जैसे लिखा ध्यान देना बच्चों पूरा, लगे तो ऑनलाइन रिपीट करके आप वीडियो लेक्चर देखना, रिमिस मत करना, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, दिस इज नॉट फॉर एग्जांपल, 850 पर 20% लो 170 को 100 से मल्टीप्लाई करो 17,000, क्रेडिट साइड का टोटल करो 221, यस सर, और इसका करो 850, सेम बच्चों मैच कर लो हो जाता है, यस सर। अब बच्चों में प्रोसेस वन में बैक जाओ, अब ध्यान से देखना, अब मुझे यहाँ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना तो मैं ले सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ अगेन मैं यूनिट इंट्रोड्यूस ले रहा हूँ बच्चों सपोज 100, ठीक है, यहाँ 100% बराबर समझना सबको, निकाल कर रहा हूँ यहाँ भी 100% है, तो 100 का 10% यहाँ कितना होगा 10%, ठीक है, 100 लिया 100 में से 10% का है तो बचा कितना 90%, 90% के सामने यूनिट कितने हैं
850 प्लस 50 900, 90% पे 900 यूनिट्स, तो 100% इक्वल टू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हाउ मच बोलो 1000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस बच्चों कहां से आया लॉजिक देखो बच्चों इम्पॉसिबल टू कवर 100 में से एक बच्चा पास हो सकता है 1% पास हो तो 1% ध्यान कॉमर्स के बच्चों पे ठीक है बाकी यू ऑल नो वी आर डूइंग क्वालिटी हमारे बच्चे भी ब्रिलियंट है और क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चे ब्रिलियंट है 1000 अब ऐसा हमने रखा तो यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं रखा टेंशन मत लेना ठीक है अब ये मैंने जो परसेंटेज आपको समझा उसको निकाल देते हैं ये रखा बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस 1000 1200 1 लाख अब बच्चों 1000 का 10% 100 इंटू 50 5000 क्रेडिट साइड का टोटल करो 180 में 185 यस सर हाँ यूनिट का टोटल करो 1000 यहाँ डिफरेंस निकालो 185 में से 1 लाख लेस करो 85 अब बच्चों ये सही है कि नहीं वो नहीं पता मुझे देखना होगा 85000 ओह इज द करेक्ट आंसर आई थिंक एकदम करेक्ट है बच्चों 285 को मैं यहां रख देता हूं और उसके लिए रेशियो 3 जब वो बट 51000 51 एंड 34 आ जाता है एकदम सही दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम लेटेस्ट डेट फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 The end of process costing one बच्चो with all extra effort and odd question. अब बच्चों इसके बाद भी कोई भी परेशानी आपको ध्यान कॉमर्स कॉलेजेस में दूरदर्शन से तुम्हारे जोड़े छे बराबर तुमने कई पण प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर घना बधा जवाब आपे छे ख्याल छे बराबर घना बधा संकोच रहे छे घना बधा बच्चा कॉम्बिनेशन लागे एक ने सिकोड बीजा ने कर दे जे सारो छे કેમ કે એક એક બચ્ચું મને કોન્ટેક્ટ કરે અને કરતા આખો ગ્રુપ કોન્ટેક્ટ મારે બધા સર ઓકે तो वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट वर्क बच्चों इसके बाद स्टार्ट कर रहे हम इसके ऑप्शन में नहीं इसके साथ आने वाला चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग 2 दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ओके बच्चों ऑल द बेस्ट जय माता जी प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस